तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों जो ये वीडियो है ये है माल्टा वर्सेस क्रोशिया की जो डिलीवरी जॉब्स होती हैं, तो मैं दोनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको कि दोनों में से अगर आपने अप्लाई किया है या आ रहे हो या आना चाहते हो तो कौन सा बेस्ट रहेगा आपको। कितनी मेन बात ये होती है दोस्तों, आप चाहे किसी भी कंट्री से आप आ रहे हो, इन दोनों कंट्रियों में मेन है पैसा। आपका जो पैसा है किस में ज़्यादा बनेगा वो है, वो मैटर करता है कि वो कंट्री कैसा है कैसा नहीं है, कितना सुंदर है, इससे आपको क्या लेना देना। आपको मेन है, आपका जो मेन मोटर है वो मनी है। तो आप मनी के लिए अपने घर बार छोड़ के आओगे, तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम कमल कुमार 2009। और आपकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसमें रिप्लाई दे दूँगा। सबसे पहले तो माल्टा की बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैं माल्टा में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों माल्टा में आप किसी भी कंपनी में काम करो, कहीं भी काम करो, यहाँ पे परसेंटेज पे बेस पे काम होता है। और या फिर कंपनी आपको ऐसा बोल सकती है कि भाई हमें वीकली या मंथली, वीकली में 200 और मंथली में 700 या 600, इतने हमें दो काम करके, बाकी जितना बनता है आपका सब आपका होगा। इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, बाइक देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे। इस कंडीशन में आपको पेट्रोल मिलेगा नहीं, सिर्फ बाइक मिलेगा, कंपनी की तरफ से बाइक मिलेगा। अगर बाइक में कोई ख़राबी होती है तो फिर कंपनी सारा कुछ रिप्लेसमेंट करवा के देती है, सर्विस सारी फ्री देती है आपको। तो बाकी आप जितना मर्जी कमाओ, चाहे आप 3,000 का कमाओ, 4,000 कराओ, उसमें जो परसेंटेज है सीधा ये मोटा मोटा 200 वीकली या मंथली 700 तक इतना आपने देना होता है, और करके सारा आपका हो गया। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो कुछ कंपनियां हैं, 2 से 3 कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, और बंदे उसमें जो सीजन के समय में 2500-3,000 आराम से कमा लेते हैं, तो इतना वो इजीली बचा लेते हैं वो। और दूसरा होता है परसेंटेज, मतलब पहले वो उक्का हुक्का था, अब ये परसेंटेज की बात करूंगा मैं। परसेंटेज में क्या होता है, 43 समथिंग, हाँ ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी बोलती है कि आप जितना मर्जी काम करो, चाहे आप 4,000 का काम करो, 3,000 का करो, 2,000 का करो, इसमें हम आपसे परसेंटेज लेंगे 60-40, 60% आपका 40% हमारा। और इसमें हम आपको पेट्रोल भी देंगे, ठीक है, पेट्रोल देंगे और बाइक देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि बाइक ख़राब होगी आपकी तो चलो पड़े हैं जी कहीं पर, है ना, ये उस कंडीशन में होता है दोस्तों। जब छोटी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो बहुत छोटी कंपनी में आ गए, आपको बाइक भी प्रॉपर मिलेगी नहीं, बाइक ख़राब होगी, 3-4 दिन हफ्ता तक बंदों की बाइक ठीक होती नहीं है, वहीं के वहीं पड़ी रहती है, और कंपनी रिपेयर भी करवा के आपकी देती नहीं। इससे क्या होता है कि नुकसान सिर्फ आप ही का ही होता है, क्योंकि आपको काम तो मिल नहीं रहा है। तो मोटा मोटा अगर बात करूँ माल्टा में जो लोग काम करते हैं डिलीवरी में, अगर मैं सही हूँ, अगर लोग 15 घंटे तक 14 घंटे भी काम करते हैं, अगर इतना काम करते हैं सीजन में 2500 यूरो सैलरी कहीं भी नहीं गई उसमें। और इसमें क्या होता है कि माल्टा में जितने भी डिलीवरी कंपनीज हैं, माल्टा में डिलीवरी कंपनी का कोई भी काम में अगर आप आते हो तो माल्टा में अकोमोडेशन की फैसिलिटी कंपनी के द्वारा होती नहीं है, अकोमोडेशन आपका ही होता है सारा कुछ। इसमें खर्चा वगैरह जो भी होगा, बिल वगैरह, गैस वगैरह सारा कुछ आपको देना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन भी आप ही की होती है अगर आप माल्टा में काम करने आए हो, किया जाए किसी भी फील्ड में आए हो। कंपनी आपको स्पेशली गाड़ी प्रोवाइड नहीं करती जैसे दुबई में प्रोवाइड करती है। हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर ओवर टाइम आपका लग गया हो और अगर कोई गाड़ी वगैरह फैसिलिटी अभी ना हो, बस वगैरह सर्विस बंद हो चुकी हो, उस कंडीशन में आपको ड्राइवर वगैरह छोड़ सकता है, बस इतना हो सकता है। और मैक्सिमम 2500 तक आप कमा सकते हो, उसमें मोटा मोटा आपका 500 खर्चा होगा और 2000 आपका सेव हो जाएगा अगर आप माल्टा में काम करते हो, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो। अगर आप बस अय्याशी करोगे, मौज मस्ती करोगे, बहुत सारे बंदे हैं जो प्रॉपर काम नहीं करते, तो फिर उनकी सैलरी फिर आपको पता ही फिर वैसे ही आएगी। यहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं है माल्टा में। अब बात करता हूँ क्रोशिया की। क्रोशिया में माल्टा की पूरी बात करनी भूल गया मैं। माल्टा में जो वेदर है बहुत अच्छा होता है, 12 महीने काम करने वाला वेदर है, ठीक है, डिलीवरी कर सकते हो बाइक से, कोई इशू नहीं है। ये नहीं कि बर्फ़ पड़ गई जी, रोड स्लिप होने शुरू हो गए और आपको, हाँ ये होता है कि बारिश जब होती है, चाहे किसी भी सीजन में बारिश हो, चाहे सर्दी में हो, चाहे गर्मी में हो, जब बारिश होती है तो आपको ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि रोड्स आर वेरी स्लिपरी, स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मौसम सही रहता है, 12 महीना मौसम ज़बरदस्त है दोस्तों। गर्मी का जो मौसम होता है उसमें ये होता है कि हाँ गर्मी ज़्यादा होती है,
लेकिन ये कि ऐसा नहीं कि अभी दुबई जैसी गर्मी पड़ रही हो वैसा सीन नहीं है। अब इसके ऑपोजिट बात करता हूँ क्रोशिया की। क्रोशिया में दो प्रकार की डिलीवरीज होती हैं, एक होती है आप जो ऑनर होता है आपको उक्का फुक्का सैलरी दे रहा होता है, जैसे 600 यूरो दे दिया या 700 दे दिया, मैक्सिमम 700 दे देगा आपको। उसमें आपको वीकली में कुछ डिलीवरीज होती हैं, उतनी आपको कंप्लीट करनी होती है, चाहे वो टारगेट आपको 150 डिलीवरी का हो चाहे 120 का हो, डिपेंड करता है कंपनी पे। ठीक है, वो आपको बोलती है कि हम आपको पेट्रोल देंगे, बाइक देंगे, रूम भी देंगे और खाना भी देंगे आपको। किसी में कंपनी में खाना हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता, लेकिन रूम आपको मिलेगा इसके थ्रू अगर काम करते हो, ऐसे अगर काम करते हो तो आप उक्का पुक्का हो गया ये, तो 700 मोटा मोटा आपको बचेगा जी। ठीक है, और दूसरा होता है परसेंटेज पे, जिसमें आपको जैसे माल्टा में जो सीन है सेम वही है कि हाँ भी आप जितने का भी काम करो कंपनी के साथ आपका टाई अप होता है, कंपनी कहती है कि चलो जितने का काम कर रहे हो हम आपको बाइक दे रहे हैं, ऐप सारा कुछ करके दे रहे हैं, इसमें हम आपका इतना चार्ज करेंगे, लेकिन हम आपको फूड नहीं देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे और सिर्फ आपको हम क्या देंगे, बाइक देंगे, अकोमोडेशन भी आपका रहेगा। तो ये है सीन दोस्तों। और क्रोशिया में बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर भी थे जो यही काम कर रहे थे और वो लोग माल्टा आना चाहते थे, तो उनसे मेरी जब बात हुई तो वो कहते हैं कि कई लोग कमे में काम कर रहे हैं और कोई परसेंटेज में भी काम कर रहे हैं। जो परसेंटेज में काम कर रहे हैं क्रोशिया में, वो मोटा मोटा कितना कमा रहे हैं, 1000 या 1200 या 1300, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं कोई भी। और रेट भी बहुत वहाँ पर कम है, जैसे जो डब्ल्यू का अकाउंट है वोल्ट का, वो माल्टा में भी है और क्रोशिया में भी वही है। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि 10 किलोमीटर की इतने यूरो मिलते हैं हमें, लेकिन जब मैंने माल्टा में कंपेयर किया तो माल्टा में ज़्यादा रेट मिल रहा था। तो ये है दोस्तों कि लेकिन अगर आप इंडिया से या कहीं भी अपने होम कंट्री से अगर आप अप्लाई करते हो माल्टा के लिए एज अ डिलीवरी बॉय, तो अभी चांसेस बहुत कम है दोस्तों, डिलीवरी बॉय की जॉब्स नहीं मिल रही हैं, वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप क्रोशिया के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो क्रोशिया के लिए वीज़े लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं रिफ्यूज़ल लेकिन वीज़े भी लग रहे हैं। मेरा हाईली रिकमेंड रहेगा बुल्गारिया और रोमानिया पे कंसिडर करो। ठीक है, वो कंट्री अभी इतना कोई पहचानता नहीं है, इतने लोग वहाँ पे जाने के इंटरेस्ट होते नहीं है, लेकिन वो कंट्रीज शेंजन में आ चुकी हैं। ठीक है, तो जब प्रॉपर जब हो जाएगा शेंजन का जो कागज़ पत्र जो होता है, जो एग्रीमेंट वगैरह होता है, जब सारा कुछ हो जाएगा तो फिर उसका भी वीज़ा हार्ड हो जाएगा और पैसा भी बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे वो, जैसे क्रोशिया का था। क्रोशिया का तो अभी बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, पहले क्या था 2.5-3 लाख में क्रोशिया जा रहे थे जब क्रोशिया का जब हुआ नहीं था, शेंजन में आया नहीं था। तो दोस्तों ये है फुल कंपैरिजन। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो क्रोशिया के लिए अप्लाई करो, माल्टा के लिए डिलीवरी बॉय का भी अप्लाई मत करो क्योंकि वीज़ा बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।